हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सीरीज़ चल रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर सीरीज़ चल रही है। लास्ट टाइम मैंने 7 जो है मेडिकल कॉलेज कवर कर चुका हूँ। 5 एक ही साथ थे, जो 2 न्यूली ओपन थे 2019 में, जो 5 थे एंड देन जो जो थे 2 जो है वो उसमें कवर करे थे मैंने, जिसमें जबलपुर और ग्वालियर दोनों एक्चुअली सिमिलर कॉलेजेस हैं, तो उसको दोनों को कवर करा था। स्टूडेंट्स ने देख चुके हैं वो। तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट जो बन रही है सागर कॉलेज के ऊपर बन रही है, जैसे आप टाइटल देख पा रहे हैं। ये भी कमेंट्स करें स्टूडेंट ने कि सर आप जितने भी गवर्नमेंट है वो भी कवर कर लिए, प्राइवेट भी कर लिए। तो प्राइवेट भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, चिरायू जो है, एल एन मेडिकल जो है, ये जो वीडियोज़ हैं ये सारी डल चुकी हैं। अब जो है ये सागर के ऊपर बनी है। तो सागर जो कॉलेज है वो इंट्रो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि आप जो सागर कॉलेज है ये बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के नाम से फेमस है, और ये जो है 2009 में जो है एमबीबीएस का यहाँ जो है फर्स्ट पेज जो एडमिट वो स्टार्ट हो चुका था। बात करते हैं कि इसको बुंदेलखंड क्यों रखा गया इसका नाम। तो ये जो एरिया जो आता है सागर साइड का, वहाँ जो एरिया है मध्य प्रदेश में, ये बुंदेलखंड रीजन कहलाता था। तो दैट्स वाई इसका नाम जो है वो बुंदेलखंड एरिया पड़ा गया है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ इनमें वहाँ के लोगों के लिए जो है हेल्थ की फैसिलिटी और क्वालिटी वाइज जो है हेल्थ एंड देन मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ जो है मेडिकल हॉस्पिटल हो, अवेलेबल हो वहाँ के लोगों के लिए सेंटर बना के, तो वो इसलिए वहाँ जो है हॉस्पिटल ओपन किया गया था। तो इसलिए इसका नाम जो है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रखा गया था, DBMC के नाम से फेमस है। जैसे मैंने बताया कि 2007 में इनाग्रेशन हुआ था इसका, तो हमारे ऑनरेबल जो सीएम थे, अभी भी हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने करा था। तो वहाँ इनाग्रेशन कर जो था हुआ इसका साथ में, और फर्स्ट बेच जो है 2009 से जो है स्टार्ट हुआ था एमबीबीएस का। बात करते हैं यहाँ पर कि किस जगह से एफिलेटेड है। तो ये जो अभी यूनिवर्सिटी 2014 से जो है ये जबलपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो गई है, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से। एंड देन रिकॉर्गेनाइज, जैसे आपको मालूम है कि इससे होना ज़रूरी है, तो ये मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से रिकॉर्गेनाइज है। यहाँ कोर्सेज जो हैं आप देख सकते हैं, नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल कोर्सेज भी यहाँ पर हैं। देन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने करना चाहते हैं, एमएस जो है एमडी करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। बात करें कैंपस की, तो कैंपस में जो है सेपरेट कैंपस है, लार्ज एरिया में जो है कैंपस है, अलग अलग बिल्डिंग्स में डिवाइड है, हॉस्टल्स वगैरह इसके अंदर, और देन डॉक्टर्स नर्स एंड यूजी हॉस्टल्स बिल्कुल अलग अलग है। रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी हैं डॉक्टर्स की वहाँ पर, जो हॉस्पिटल्स में हैं, देन प्रोफेसर्स की जो है रेजिडेंशियल्स जो है कॉलोनीज भी हैं, एंड देन सेपरेट है गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है कैंपस में बिल्डिंग्स, एंड देन स्पोर्ट्स के हिसाब से भी कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट एंड ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, आपको स्पोर्ट्स के हिसाब से भी अच्छे अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। बात करें बिल्डिंग्स की, तो 3 फोर फ्लोर्स बिल्डिंग्स होती हैं। ग्राउंड फ्लोर में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है जहाँ डीन ऑफिस आपका रहेंगे। देन आप मैं इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ है। बायो माइक्रोबायोलॉजी लोकेशन भी है टॉप फ्लोर पे है, तो यहाँ पूरा अवेलेबल है यहाँ पर, जो स्टूडेंट चाहे उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। लाइब्रेरी के बारे में बता दूं मैं, लाइब्रेरी के साथ साथ यहाँ जैसे लेक्चर थिएटर भी हैं एंड जो है जिम भी है यहाँ पर। तो लेक्चर थिएटर्स जो होते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी उसमें डिफाइन करा था जबलपुर वाले में और ग्वालियर में, के अच्छी जो है स्पेस बैठने की होती है वहाँ पर। तो लाइक अ थिएटर, तो आपको स्टडी कराई जाती है वहाँ पर, तो इजी हो रहता है स्टूडेंट को लर्निंग के लिए। बात करें हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल जो यहाँ पर है वो 350 बेड्स का हॉस्पिटल है, 3 फ्लोर बिल्डिंग्स के अंदर, एंड देन इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है अलग अलग, एंड देन कैंटीन वगैरह है यहाँ पर 24 आवर जो है यहाँ अवेलेबिलिटी है, मतलब पेशेंट काउंट अच्छा है यहाँ पर, 24 आवर जो है पेशेंट्स का काउंट है यहाँ। मैं हॉस्टल जैसे डिफाइन कर चुका हूँ। तो फीस की बात करते हैं हॉस्टल, तो ये 22 हज़ार से 35 हज़ार तक के बीच में जो है यहाँ आपकी जो है फीस लगेगी हॉस्टल की। देन इसके अंदर गेस्ट रूम वगैरह भी हॉस्टल में, जैसे आपके रिलेटिव वगैरह या पेरेंट्स वगैरह आते हैं स्टूडेंट्स के, तो उनको रुकाने के लिए 12 रूम समथिंग दे के रखा है गेस्ट रूम के नाम से। अगर आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आते हैं तो वहाँ इजीली रह सकते हैं। तो स्लाइड ख़त्म हुई, इसमें इतना ही है एकोमोडेशन जैसे मैंने बता दिया आपको। मेस चार्ज भी वही रहेगा इसमें,
जो जितना लगता है वो मेडिकल कॉलेज में 2,500 से लेकर 3,500 समथिंग पर मंथ का। देन हॉस्टल फीस भी सिमिलर ही है ग्वालियर से। और कैंपस में आपको बता चुका हूँ हॉस्पिटल में बेड जो है 750 बेड समथिंग या स्पेस है, तो अच्छा काउंट भी है यहाँ पेशेंट्स का। इंट्रोडक्शन भी हो चुका, तो सागर कॉलेज के लिए इतना ही। और भी आपको वीडियोस चाहिए तो बिल्कुल जो है कमेंट्स करें तो और वीडियो बनाई जाएंगी। और जो भी इंक्वायरी हो, कुछ भी स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही हो तो बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा उनकी प्रॉब्लम को। थैंक यू सो मच।